हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक न्यू ब्लेंडिंग स्टम्प जो कि मैंने परचेज़ किया है और इसे मैं ओपन करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं जो मेरे ओल्ड ब्लेंडिंग स्टम्प्स थे। ये मेरे ओल्ड ब्लेंडिंग स्टम्प्स थे और अब मैं सोच रहा हूँ कुछ स्मूथ पेपर पर वर्क करने का जो कि स्ट्रैथमोर का है। सो उसके लिए मैंने ये न्यू परचेज़ किए हैं क्योंकि क्लीन होंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं शेड और ब्लेंड कर पाऊँगा। और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने खुद से बनाया था। इसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी कि किस तरह से आप एक ब्लेंडिंग स्टम्प खुद से बना सकते हैं। सो ये मैंने खुद से बनाया था और ये है कबीर कंपनी के थे ये ओल्ड, जिसे मैं लास्ट टू ईयर से भी ज़्यादा हो गए नहीं यूज़ करते हुए। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये न्यू, और ये मैंने 150 के परचेज़ किए हैं जो कि सिर्फ मुझे थ्री पीस मिले हैं। और इसे अब देख लेते हैं ओपन करके। काफ़ी कम मैं वैसे ब्लेंडिंग करता हूँ, बट जब हमें स्मूथ पेपर के ऊपर वर्क करना होता है तो फिर हमें ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करना पड़ता है स्मूदर रिजल्ट्स के लिए। सो ये है हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे एक रिसिप्ट मिली, इसे मैं बाद में देखूँगा। सो ये है डर्वेंट कंपनी के, आपने सुना ही होगा डर्वेंट के काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसकी और भी पेंसिल्स इरेजर्स सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। सो ये 150 के ओनली थ्री पीसेस मिले। लास्ट टाइम जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने 200 के अराउंड सिक्स पीस मुझे मिले थे, बट ये थ्री है सिर्फ। सो मैंने इसलिए इस पर कंपनी चेंज करके परचेज़ की, मैंने सोचा जरा मुझे बेटर क्वालिटी के स्टम्प्स मिले। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 279 यहाँ पे प्रिंट है, बट ये 150 के है और ये डर्वेंट के। सो अब मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीन ब्लेंडिंग स्टम्प मिले, एक स्मॉलर वन, स्मॉल एरियाज पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मीडियम साइज का है जो कि आप मीडियम एरियाज के लिए, और ये बड़े साइज का है। सो ये तीन स्टम्प्स मुझे मिले और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है फ़िलहाल तो। सो हम इसे चेक भी करेंगे। और फ्रेंड्स स्टम्प्स आपको काफ़ी कम यूज़ करना चाहिए। अगर आप चारकोल यूज़ कर रहे हो फिर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई स्मॉलर से स्मॉलर एरियाज पे वर्क करना है तो उस केस में जहाँ पे आप पेंसिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो इस तरह से हम स्टम्प्स को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा इन्हें। ये मैं बड़े वाले को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसे मैं एक बार सैंड पेपर पे भी रब कर लूँगा जिससे ये और भी स्मूथ हो जाएगा। सब देख रहे हो काफ़ी अच्छी तरह से ही ब्लेंडिंग हो रही है सेम। टाइम के साथ ये और भी जब रब हो के स्मूथ हो जाएगा तो आपको और भी स्मूदर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैंने सिर्फ एक HB मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके आपको दिखाई यहाँ पे। तो इस तरह से हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, लाइक ये मैंने यूज़ किया था। सो अभी आपने देखा था ये जो पेपर, ये जरा थिक पेपर था और हल्के से रफ भी था ये पेपर। सो अब मैं आपको एक दूसरे पेपर पे चेक करके दिखाता हूँ। सो आप जितने भी टाइप के पेपर यूज़ करोगे सभी पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि हर पेपर का टेक्सचर डिफरेंट होता है और कौन सी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आप हार्ड पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो ब्लेंड कम होगी, और अगर आप सॉफ्ट यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा ब्लेंड होगी। सो यहाँ पे अगर हम इसे ब्लेंड करें तो इसके लिए मैं ये स्मॉलर वाला यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे टिप को मैंने भी रब नहीं किया सैंड पेपर के साथ, इसलिए मैं कॉर्नर से यूज़ कर रहा हूँ इसे। सो जैसे जैसे आपका स्टम्प ज़रा ओल्ड हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग मिलेगी, क्योंकि वो पेपर और भी सॉफ्ट हो जाएगा। सो ये जो पेपर था ये था फैब्रियानो का, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की ब्लेंडिंग हुई है क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर वो आपको विजिबल हो रहा होगा। और अगर आप स्मूथ पेपर यूज़ करते हो वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स ये है आपकी आइवरी शीट जो कि स्मूथ होती है। सो इस पर भी हम ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह का हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। सो स्मूथ पेपर पे काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग होगी, आप देखोगे अभी।
क्योंकि जितने कम ग्रेन्स होंगे उतना स्मूथ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जितना टेक्सचर्ड पेपर होगा उस पर आपको ज़रा कम मिलेगा स्मूथनेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्मूथ है थोड़ा, तो यहाँ पे हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे ये आइवरी शीट है, और आइवरी शीट काफ़ी स्मूथ रिजल्ट हमें देती है। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग हो रही है वो काफ़ी स्मूथ हो रही है, और आपको अगर और भी स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आप जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो वो आप और बेटर वे से लगाओगे, तो आपके जो मार्क्स है वो भी नहीं रहेंगे, और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी आपको स्मूथ मिलेगा। सो स्मूथर रिजल्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टम्प्स, और आप इसे क्लीन कर सकते हो सैंड पेपर यूज़ करके। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपको रिज़ल्ट मिला है वो काफ़ी स्मूथ है इन दोनों के कंपैरिजन, और अगर आप ब्रिस्टल पेपर यूज़ करते हो तो इससे भी स्मूथ आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो किस तरह का पेपर आप यूज़ कर रहे हो उस पर आपकी जो ब्लेंडिंग वो डिपेंड करती है, और साथ ही साथ जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो। लाइक यहाँ पे आपको डार्क रिज़ल्ट मिला क्योंकि एक टेक्सचर्ड पेपर था, इसमें ज़्यादा ग्रेफाइट एब्जॉर्ब हुआ इसलिए यहाँ पे आपको डार्क रिज़ल्ट मिला, और ये फैब्रियानो का पेपर था, ब्लेंडिंग के बाद भी आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसमें टेक्सचर होता है 120 जीएसएम का पेपर। और ये आइवरी शीट जिस पे आपको स्मूदर ब्लेंडिंग दिख रही है, और इससे भी स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्रिस्टल स्ट्रैथमोर के पेपर। सो ये था रिव्यू इन स्टम्प्स का, जो कि काफ़ी सही है, और कोई भी स्टम्प आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मिनिमम काफ़ी कम इनमें डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे मैंने ये परचेज़ किया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह का रिज़ल्ट आप इससे अचीव कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और इसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।